नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक छोटा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक नौजवान अपने छत पे पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ते उड़ते ऊपर हवा में कोई कारणवश धागा टूट गया। पतंग जा गिरा जंगल में। जंगल में साधु बाबा का आश्रम था, तो आश्रम के पास गिरा। साधु बाबा ने क्या किया, उसको उठा के कुटिया में रख लिया। लड़का पहुंचा वहां पे पूछने के लिए, बाबा जी यहाँ पे कोई पतंग गिरा था? बाबा जी बोले, हाँ बेटा गिरा तो था। तो कहाँ है बाबा जी, बता दीजिए। तो बाबा बोले, कुटिया में रखा हुआ है, जाके ले लो। लड़का गया और कुटिया से पतंग निकाल लाया। तो बाबा जी पूछे, बेटा ये बात बताओ, तुमको पतंग भी उड़ाने आता है? नौजवान बोला, हाँ बाबा पतंग भी उड़ा लेता हूँ। जब कोई दारू पीने वाला नहीं मिलता है तो पतंग उड़ा लेता हूँ। बाबा बोले, क्या तुम दारू भी पी लेते हो? हाँ बाबा दारू भी पी लेता हूँ, जब कोई जुआ खेलने वाला नहीं मिला तो। तो बेटा तुम जुआ भी खेल लेते हो? बोला नौजवान बोला, हाँ बाबा। और कुछ वो बताने लगा, तब बाबा बोले, एक बात सुनो, बैठो। यहाँ बैठ गया। बाबा बोले, भगवान ने जो ये शरीर दिए है उसका उपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। तो नौजवान ने बोला, क्या करें बाबा, मेरे साथ यहाँ पे आश्रम में योग करो और आस्था जो भी कुछ था वो समझाए सब कुछ। वो लड़का तैयार हो गया, रहने लगा बाबा के पास। 4-5 महीने हो गया। एक दिन वो बाबा से बोला, बाबा हमको घर जाना है, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी को देखने का दिल करता है। बाबा जी मेरी माँ मेरे बगैर खाना नहीं खाती होगी, बहुत प्यार करती है हमसे, पिता भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी जो पत्नी है जब से मैं इधर आया हूँ वो रोती रोती रही होगी, हमेशा रोती होगी। बाबा बोले, सुन बेटा इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है। नौजवान बोला, क्यों नहीं बाबा, माँ भी है, पिता भी है और पत्नी भी है। बाबा बोले, सुनो इस धरती पे कोई किसी के साथ नहीं देता और विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो। तो नौजवान बोला, ठीक है बाबा परीक्षा ही दे दीजिए। चलो ठीक है तुम जाओ घर। और घर जाते ही माँ से बोलना जो मेरा तबीयत खराब है, और जब तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगा तो मेरे गुरुजी जो आस जंगल में आश्रम है वहाँ पे कुटिया है, गुरुजी रहते हैं, गुरुजी को बुला लाना, मैं ठीक हो जाऊँगा, ये माँ को बता देना। नौजवान बोला, ठीक है बाबा, चला गया। गया घर पहुँचते ही मम्मी बोली, आजा बेटा आजा आजा, खाना खाओ। खाना खिलाने की तैयारी करने लगी। लड़का बोला, ना माँ मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ है, तबीयत खराब सा लग रहा है। तो खाना कैसे नहीं खाएगा, खाना तो खाना पड़ेगा, माँ बोली। बेटा बोला, नहीं माँ मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। ये सब चला, वो चला गया जाके चादर ओढ़ के सो गया। सोते ही सोने के बाद पत्नी आई उठाने के लिए, चलिए खाना खाने के लिए। इसका हाथ उठाया तो हाथ ऐसे गिर गया। हाथ गिरने के बाद पत्नी रोने लगी, बोली पता नहीं क्या हो गया, मर गए। चिल्लाने लगी, रोने लगी, सब पड़ोसी भी पहुंचने लगे, सब चिल्लाने लगे, बोलने लगे। तभी माँ बोली, माँ मेरा काम कीजिए, कोई जाके कुटिया में जो बाबा रहते हैं उनको बुला के लाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला फिर आगे दिखाऊंगा अगले नेक्स्ट। धन्यवाद।